हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। आर्थिक मंदी को लेकर चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सरकार के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वित्त मंत्री की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर करीब 2:30 पर होगी, दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ऑटोमोबाइल, एनबीएसई, बैंकिंग, रिटेल, स्टेट और अन्य सेक्टर्स के लिए बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज पहली बैठक होगी। बैठक में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड तीनों ही राज्यों को लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। ये मीटिंग पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर शाम 4:00 होगी। महाराष्ट्र के सतारा संसदीय क्षेत्र के एनसीपी के सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में उदयन राजे ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर मौजूद रहे। 17वीं लोकसभा के लिए संसद की स्थायी समितियों का गठन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और टीएमसी सांसद नुसरत जहां को संसद में अहम जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के बंटवारे के आधुनिक भारत में सबसे बड़ी गलती करार दिया और कहा कि अगर विभाजन नहीं होता तो आज जम्मू कश्मीर पर कोई चर्चा नहीं होती। इधर उन्होंने तो बता दें आपको, उन्होंने कहा कि बंटवारे को आधुनिक भारत में सबसे बड़ी गलती और साथ ही विभाजन अगर नहीं होता तो आज जम्मू कश्मीर पर कोई चर्चा नहीं होती, ये भी कहा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि विभाजन सिर्फ कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश भर से मिले 2700 से ज्यादा उपहारों की आज से नीलामी की जाएगी। इससे मिलने वाली धनराशि का इस्तेमाल गंगा के संरक्षण और नदी को नवजीवन देने के लिए किया जाएगा। हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर से डीएसपी पद का प्रमोशन रोक दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने यह फैसला प्रमोटी और डायरेक्ट रिक्रूट के इशू को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले पर फैसला होने तक इस पर रोक रहेगी। बता दें कि हरियाणा पुलिस के कुछ इंस्पेक्टर्स की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि सीनियर होने के बावजूद उनकी पदोन्नति कंफर्मेशन के बाद जाती है, जबकि डायरेक्ट प्रमोटी को इसका फायदा मिलता है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रहेगी। डॉक्टर इंद्रजीत ने बताया कि सोशल मीडिया का आज समाज में अहम रोल है और सोशल मीडिया में कई तरह के प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। इसी पर नियंत्रण रखने के लिए हमने आयोग की दिशा निर्देश किए हैं। पंचकुला में कंप्यूटर टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षा विभाग में समायोजन की मांग को लेकर कंप्यूटर टीचर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अनुबंध बढ़ोतरी पर कंप्यूटर शिक्षकों में नाराजगी और बढ़ गई है। उनका आरोप है कि इस अनुबंध में सभी पुरानी शर्तों को ज्यों का त्यों रखा गया है। कंप्यूटर टीचर्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नीलोखेड़ी में बिजली विभाग का एक अधिकारी रिश्वत लेते कैंप में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग का अधिकारी किसान से उसके खेत में ट्रांसफार्मर लगाने की एवज में रिश्वत मांग रहा था। फतेहाबाद की लाल बत्ती चौक पर नशे के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे परवीन काशी को अब दुकानदारों का समर्थन भी मिलने लगा है। मोबाइल मार्केट के दुकानदार 2 घंटे तक दुकानें बंद कर नशे के खिलाफ विरोध करते नजर आए। दुकानदारों ने कहा कि परवीन काशी हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं और अगर सरकार नशे के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और जो भी परवीन काशी हमें आदेश देंगे हम उनके साथ चलेंगे। लोहारू के सुरपुरा कला गांव में बिना पैसे शराब नहीं देने पर आधा दर्जन लोगों ने शराब ठेके पर कार्यरत सेल्समैन से मारपीट कर उसके ठेके को आग के हवाले कर दिया।
आग की वजह से करीब 2.5 लाख रुपए की कीमत की शराब, फ्रिज, इन्वर्टर समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। सिरसा में सीआईए टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने डबल मर्डर की गुत्थी को महज 24 घंटे में सुलझा दिया। वारदात में शामिल 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। वहीं वारदात में शामिल 6 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भारतीय रेलवे ने हमसफर एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे अपनी प्रीमियम हमसफर रेलगाड़ियों से फ्लेक्सी फेयर योजना को हटा दिया है। साथ ही इन रेलगाड़ियों में शयनयान श्रेणी के कोच लगाने का भी निर्णय लिया गया। ये जानकारी शुक्रवार को रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। अधिकारी ने कहा कि हमसफर रेलगाड़ियों में तत्काल टिकट किराया भी घटाया गया। फिल्म द स्काई इज पिंक अपने ट्रेलर रिलीज के बाद से ही प्रियंका चोपड़ा के कमबैक को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। अब फिल्म का प्रमोशन भी शुरू हो गया है। हाल ही में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में फिल्म के प्रमोशन के दौरान प्रियंका ने बताया कि वो पहली बार किसी हिंदी फिल्म में बतौर प्रोड्यूसर जुड़ी हैं और वो इस कहानी से ज्यादा दर्शकों के सामने लाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को अपने कमबैक के लिए चुना है। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के बॉलीवुड में 9 साल पूरे हो गए हैं। इस पर सोनाक्षी का कहना है कि उन्हें महसूस नहीं हुआ कि कैसे वक्त बीत गया। उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात हो। रिलीज के 4 हफ्ते बाद भी फिल्म मिशन मंगल की बम्पर कमाई जारी है। टिकट खिड़की पर लगातार रिकॉर्ड बना रही है। बता दें कि फिल्म अब तक 200 करोड़ की कमाई कर चुकी है।